पिंजौर में रविवार को कालका विधानसभा से आजाद प्रत्याशी एवं धरती पुत्र गोपाल चौधरी ने करणपुर से खैरावाली तक तकरीबन 20 से अधिक गांवों का तूफानी दौरा कर भाजपा कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। सभी जनसभा स्थलों पर लोगों की खासकर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने अपने क्षेत्र के बेटे एवं धरती पुत्र के प्रति प्यार दिखाते हुए कहीं लड्डू तो कहीं सिक्कों से गोपाल चौधरी को तोला। 20 से अधिक जगहों पर लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा। देखकर आजाद प्रत्याशी गोपाल चौधरी भावुक उठे। गोपाल चौधरी ने कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों खासकर माताओं बहनों ने जो उन्हें अतः प्यार दिया है उसके वह ताम्र कर्जदार रहेंगे। गोपाल ने कहा कि चुनाव में जीत हार तो बाद की बात है, लेकिन वह अपने लोगों की सेवा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। गोपाल चौधरी ने कहा कि उनके मुकाबले में भाजपा कांग्रेस व अन्य जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं वह चुनाव में जनता की सेवा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो आराम के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें जनता से नहीं बल्कि अपनी सरकारी सुख सुविधाओं को बचाए रखने से मतलब है ताकि प्रशासन पर उनका रौब बना रहे और वह अपने नाम के आगे लगे MLA के टैग को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। गोपाल चौधरी ने तंग कसते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी पर तो वह कुछ बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि वह जिससे पैराशूट से कालका विधानसभा में लैंड हुई है उसी पैराशूट से उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन पिछले दो चुनावों में आम जनता के बीच आकर विकास के दावे करने वाले विधायक प्रदीप चौधरी भी 10 साल पंचकूला अपनी कोठी पर ही लेटे रहे हैं। कालका की जनता से वोट लेने के बाद उन्होंने कभी कालका के लोगों की सुध लेने की जरूरत ही नहीं समझी। आज सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे कालका का बेरोजगार युवा वर्ग केंद्र की तानाशाही भाजपा सरकार से किसान विरोधी नीतियों से तंग किसान महंगाई की मार झेल मातृशक्ति नशे की गर्त में धन से युवा नशे की कहर की मार झेल रहे बच्चों के माता पिता प्रदीप चौधरी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 10 साल में उन्होंने कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। गोपाल चौधरी ने कहा कि वह राजनीति में ना पैसा कमाने आए हैं और ना ही किसी और चीज़ का लालच है, वह सिर्फ जनता की सेवा के मकसद से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। मानो एक अपने हल्के का सुधार करना सेवा करनी एक मौका सेवा का मानो भी दो जी। आपका अपना बेटा खड़ा है जी, बच्चा बेटा किसी का भाई तब वोट सपोर्ट करो। आपका कोई भी काम होगा जी, अगर आप मेरे पास जाओगे बजट होनी है 5-4 किलोमीटर है जी, नोबिता में 5 किलो तक के खा रहे जी हमारा बतिया माँ। आप खाली नहीं मुड़ने के जी, आपका काम होगा क्या किसी प्रकार का काम। हमें बिना जीते से भी कह रहे जी जीत हार की लग चीज है, अगर MLA जीत गया बेटा ने बहुत करना अपने इलाके वास्ता उसके गंदे कटना जी अपने इलाके। धन्यवाद जी।